मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड डैड। सो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे बॉटल से दूध नहीं पीते, क्योंकि बहुत सारी मॉमीज़ की कंप्लेन होती है, बहुत सारी मॉमीज़ की चिंता होती है कि मेरा बच्चा बॉटल से दूध नहीं पीता है, उसे मैं बॉटल से दूध पीना कैसे सिखाऊं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपका बेबी जो है बॉटल से दूध पीना सीख जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जब हमें बेबी को बॉटल देनी पड़ती है, और बॉटल देने के फ़ायदे भी होते हैं। बॉटल देने के फ़ायदे ये होते हैं कि अगर कुछ मॉमीज़ को जॉब पे वापस जाना है, कुछ मॉमीज़ के प्रॉब्लम है, या कुछ मॉमीज़ के मिल्क नहीं आ रहा होता है, तो उस केस में अगर हम बेबी को बॉटल इंट्रोड्यूस करा दें तो उसका पेट भी अच्छे से भरता है और वो उसको बॉटल की आदत भी हो जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करूंगी। ये ऐसी 3 टिप्स हैं जो इनिशियल स्टेज में मैंने अपने बेबी के साथ करी, क्योंकि मुझे भी अपने बेबी को बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करानी पड़ी बॉटल, क्योंकि मुझे इतना मिल्क नहीं आ रहा होता है। और आजकल बहुत सारी ये रीजंस देखे जाते हैं कि बहुत सारी मदर्स को मिल्क नहीं आता है, तो वो और बेबी उनका बॉटल भी नहीं लेता, तो वो उसे दूध कैसे पिलाएं। तो सबसे पहली टिप है कि आप बेबी को राइट टाइम पे बॉटल इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि राइट टाइम पे बॉटल इंट्रोड्यूस करने से क्या होता है कि बेबी की जो बॉटल की आदत है वो अच्छे से हो जाती है। क्योंकि होता क्या है कि 6 मंथ तो हम ऐसा सोचते ही नहीं कि हमें बॉटल देनी है, हम ब्रेस्ट मिल्क ही देते हैं, ब्रेस्ट फीड कराते हैं अच्छे से, तो हम ऐसा सोचते नहीं, तो वहीं जाके प्रॉब्लम हो जाती है। आप बेहतर होगा कि उसे 2 या 3 मंथ से ही बॉटल की आदत डालें, थोड़ी थोड़ी डालें उसे बॉटल की आदत, वो थोड़ा बहुत फीड करेगा। और अगर उसे पाउडर मिल्क आप नहीं देना चाहते, फॉर्मूला मिल्क नहीं देना चाहते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे अपना ब्रेस्ट मिल्क ही बॉटल के थ्रू दीजिए, ब्रेस्ट मिल्क को पम्प कर लीजिए और तब बेबीज़ को दीजिए, तो वो बहुत अच्छे से बॉटल ले लेंगे। और जब वो बहुत भूखे होते हैं तो फिर ब्रेस्ट मिल्क उन्हें अगर बॉटल के थ्रू भी मिलेगा तो वो बहुत अच्छे से लेंगे। तो पहला ये है कि आप उन्हें राइट टाइम पर दीजिए, 2-3 मंथ में उन्हें इंट्रोड्यूस कराइए बॉटल, चाहे एक बारी ही कराइए बट उन्हें राइट टाइम पर दीजिए, तो वो बॉटल ले लेंगे। दूसरा क्या है कि परफेक्ट बॉटल जिससे वो कम्फर्टेबल हों। क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारी बॉटल्स आती हैं, इतनी हर बॉटल का साइज़, निप्पल का साइज़ सब कुछ अलग होता है, तो हमारा बेबी किस उससे कंफर्टेबल होगा, किस बॉटल से कंफर्टेबल होगा हमें भी नहीं पता होता है। तो अच्छा होता है कि पहले आप उसे अगर ब्रेस्ट मिल्क देंगी बॉटल के थ्रू, तो आपको ये तो कंफर्म होगा कि मिल्क में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर आप 6 मंथ बाद तुरंत फॉर्मूला मिल्क बॉटल के थ्रू देंगी तो आप ये भी कंफ्यूज हैं कि बेबी को बॉटल में प्रॉब्लम है या बेबी को मिल्क से प्रॉब्लम है। इसलिए अगर आप ब्रेस्ट मिल्क देंगी बॉटल के थ्रू तो आपको ये तो कंफर्म है कि मिल्क वो ले रहा है, मिल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आती है बात बॉटल की, कि बॉटल में हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि बॉटल के बहुत साइज़ अलग अलग होते हैं, बहुत अलग डिफरेंट होता है। तो मैं आपको अपना केस में बताऊं कि मैंने पहले अपने बेबी को बोनी की बॉटल ऑफ़र की थी, बट वो उसको समझ नहीं आई, वो पीता ही नहीं था, मतलब मिल्क तो उसे पीना होता था, अगर उसे चम्मच से पिलाओ तो पी लेता था और बॉटल से पिलाओ तो नहीं पीता था। तो फिर मैंने दूसरी ये वाली बॉटल ट्राई करी, इसका शेप भी देखिए एकदम ब्रेस्ट के शेप की तरह है, बट उसने ये वाली भी बॉटल रिजेक्ट कर दी। तो ऐसी बहुत सारी मार्केट में बॉटल्स आती हैं जो बेबीज़ को जिससे कंफर्टेबल हो जाए वो उनके ऊपर होता है। बट फिर मैं अपने पीडिया के पास गई और मैंने बोला कि वो बॉटल नहीं ले रहा है, तो फिर उनने मुझे ये पीजन की बॉटल सजेस्ट करी। इसमें भी बहुत सारे, अभी तो इसका लार्ज वाला साइज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, बट जब इनिशियल स्टेज में 2-3 मंथ में नहीं, मैंने अपने बेबी को तो 1 वीक बाद ही स्टार्ट कर दी थी बॉटल, क्योंकि मुझे इतना मिल्क नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप पिजन का जो वाई कट का निप्पल होता है, जो 0-3 मंथ के लिए आता है, आप वो वाला यूज़ करिए,
वो बच्चा आसानी से ले लेता। मैंने वो ट्राई किया तो वो मेरे बेबी ने बहुत आसानी से ले ली। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप पिजन का ही बॉटल लो, बट आप 2-3 निप्पल टेस्ट करो अपने बेबी पर कि वो कौन से निप्पल के साथ कंफर्टेबल है। जिस निप्पल के साथ कंफर्टेबल हो, जिस बॉटल के साथ कंफर्टेबल हो, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। फिर उसके साइज़ उसकी एज के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। तो इनिशियल स्टेज में हमें सबसे ज़्यादा बस जो देखना पड़ता है कि उसका निप्पल उसके उससे वो कंफर्टेबल हो जाए। थोड़ा सा कॉस्ट का आता है कि हमने ये बॉटल खरीदी फ्री, बट बहुत सही रहेगा अगर वो इनिशियल स्टेज में ही स्टार्ट कर दे बॉटल लेना, तो आगे जाके लिए हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो है कि राइट बॉटल एंड राइट निप्पल जिससे वो कंफर्टेबल हो। तीसरी टिप्स है कि बच्चों को कंफर्टेबल पोजीशन में दीजिए। होता क्या है कि बच्चों को मदर की आदत होती है, और अगर हम उसे अपनी गोदी में लेटा कर दूध बॉटल से पिलाएंगे तो वो नहीं पीता है। स्पेशली अगर वो मदर के पास हो तो वो पिएगा ही नहीं, क्योंकि फिर उसे लगता है कि मैं मदर का ही मिल्क पीऊँ। तो आप उसे क्या करिए, अगर कोई और आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे बॉटल बना के दीजिए, बॉटल दीजिए कि वो उसे फीड करा दे। अगर कोई नहीं है, अगर आप भी मेरी तरह अकेले रहते हैं, तो आप क्या करिए कि बच्चे को अच्छे से कंफर्टेबल उसको लेटाइए बेड पर, और 2-3 पिलो लगा के उसका हेड ऊपर करिए, और फिर उसे लेटा के फीड कराइए बॉटल से, वो अच्छे से लेगा। ये सच में मेरे साथ तो बहुत किया था, क्योंकि जब मैं उसे अपने लैप पर लेटा के दूध पिलाती थी तो पीते ही नहीं था, रिजेक्ट करता था, और लगता था उसे कि मैं ब्रेस्ट मिल्क लूँ। बट जब मैंने ये ट्राई किया तो उसने बहुत अच्छे से दूध पीना शुरू कर दिया। तो ये 3 टिप्स हैं जो पक्का आपके बेबी के साथ हेल्प करेंगी उन्हें बॉटल की आदत डलवाने में, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और अगर नहीं भी करती हैं तो 2-3-4 दिन में बच्चा मैक्सिमम हफ्ते भर में अगर आप उसे ऐसा ट्राई करते हैं तो पक्का वो दूध पीना सीख जाएगा। और ये थे मेरे टिप्स जो मैंने आपसे शेयर किए। अगर कुछ कमेंट हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा मेरे न्यू वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू, बाय बाय।